बच्चों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा जो है पिछले 5 लेक्चर ऑसिलेशन के ऊपर में हो चुके हैं। आज का हमारा ये 6ठा लेक्चर है। माना कि इसके अंदर में जो पॉइंट है थोड़े अपने किताब के जो उसका मकाम है, पेज है, उसके हिसाब से थोड़े आगे पीछे इसकी तरतीब हमारे पढ़ाने के अंदर में हुई है। लेकिन इंशाल्लाह ये कोशिश मेरे तरफ से हुई है कि सभी पॉइंट जो है इसके अंदर में एडजस्ट हो, सभी पॉइंट पूरी पूरी लिए जाए। तो आज जो है हम इस पॉइंट को लेने जा रहे हैं पीरियड ऑफ SHM। तो पीरियड ऑफ SHM के अंदर सबसे पहले हम इसकी तारीख बयान करेंगे। जैसा इसके पहले भी मैंने पीरियड की जो तारीख है, दौर, उर्दू के अंदर में पीरियड को जो है वो दौर किया जा दौर कहा जाता है। तो इसकी तारीफ हम पहले भी कर चुके हैं। दौर क्या है? तो सर्कुलर मोशन के अंदर, दायरी हरकत के अंदर में हमने इसकी तारीफ इस तरीके से की कि भाई जर्रे को एक गर्दिश मुकम्मल करने के लिए लगने वाला जो वक्त है उसे दौर कहते हैं, जर्रे का दौर कहते हैं। यहां जो है उसी सेंस के अंदर में तारीफ होंगी, लेकिन थोड़ी सी नोहियत जो है इसकी वो अलग होगी। तब ये क्या है, SHM का दौर, इसकी तारीफ बयान करना है। तो SHM करने वाले, क्योंकि यहाँ कंपलसरी है कि वो जर्रा जो है पहले SHM करे, तो SHM करने वाले जर्रे को एक इर्तियाश मुकम्मल करने के लिए, SHM करने वाले जर्रे को एक इर्तियाश मुकम्मल करने के लिए लगने वाले वक्त या दरकार वक्त को SHM का दौर कहते हैं। ठीक है, अब इस तारीख के बाद आइए हम इसके दौर के लिए जाब्ता खस करते हैं। तो पिछले इसमें हम सीधा सीधा T इज इक्वल टू 24π/ω इसे दौर कहके इसके आगे सॉल्व किया करते थे। अब के सिलेबस में उसको थोड़ा सा चेंज किया है। तो ठीक है, जिस तरीके से सिलेबस है उसी बेस के ऊपर में हम भी काम करेंगे। जैसा कि यहाँ पर टी वक्त पर हटाओ की मसावत उसने लिया, टी वक्त पर वो भी किसकी, SHM करने वाले जर्रे की, टी वक्त पर SHM करने वाले हटाओ की मसाफत इस तरह है, वो इस तरह है कि x इज इक्वल टू 1 sin ωt + φ। ये मसाफत हमने इसके पहले के जो लेक्चर है इसके अंदर में देखें कि SHM करने वाले जर्रे की हटाओ की मसावत इस तरह है, x इज इक्वल टू a sin ωt + φ, ये मसावत है। तो ये मसावत t वक्त पर है। अब मैं यहां पर जो है वक्त चेंज करता हूं। देखिए वक्त चेंज करने के बाद में क्या होगा, अब वक्त किस तरह चेंज करता हूं कि t इज इक्वल टू t + 24π/ω, यानी ये कि मसावत एक में जहां पर ये टी है उसके प्लेस पर मैं t + 24π/ω रखता हूं, तो मसावत नंबर एक क्या होगा, देखिए। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स x इज इक्वल टू a sin ω, टी की वैल्यू रखेंगे t +
ट्वाइस पाई बाय ओमेगा प्लस फाइ इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस, देखिए ओमेगा से जरब दे रहे हैं, ओमेगा ओमेगा कैंसल हो जाएगा, ट्वाइस फाइ प्लस फाइव इस तरीके से होगा, तो इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये मसावत हासिल होंगी क्योंकि इस जाविये को एक मान लो ओमेगा टी प्लस फाइव, इसके अंदर अगर ट्वाइस फाइव ऐड किया जाए तब भी समझ लो ये कि साइन थीटा प्लस ट्वाइस फाइव इज इक्वल टू साइन थीटा, इस तरीके से मैथमेटिक्स के अंदर में है, तो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये मसावत नंबर दो हुआ। तो मैं मसावत नंबर एक और दो का यहां पर मवाजना करता हूं, तो मैं ये देखता हूं कि ये जो दोनों मसावतें हैं एक और दो, ये दोनों सेम है, बिल्कुल एक जैसे है, जबकि ऊपर में जो वक्त था वो खाली टी वक्त था और दूसरे इसमें ये जो मसावत सेकंड जो हासिल हुई है इसके अंदर में टी की जो कीमत है इसमें ट्वाइस पाई बाय ओमेगा ये मिलाया गया, मतलब ये है कि मसावत नंबर एक और दो से ये जाहिर होता है कि ट्वाइस पाई बाय ओमेगा इस वक्त के बाद भी मसावत नंबर एक और दो से, क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम मसावते हैं, इन दोनों मसावतों से ये जाहिर होता है कि ट्वाइस पाई बाय ओमेगा इस वक्त के बाद भी वो जर्रा जो एसएचएम कर रहा है वो एक ही मकाम पर है। अब ये कि वो वक्त बढ़ने के बाद भी जो है, वक्त चेंज होने के बाद भी वो जर्रा एक ही मकाम पर है, मतलब ये है यानी उस जर्रे को वो जर्रा जो है ट्वाइस पाई बाय ओमेगा इस वक्त में अपना एक इतिहास मुकम्मल करता है, तो वो जर्रा जो है इससे ये जाहिर होता है कि वो जर्रा ट्वाइस पाई बाय ओमेगा इस वक्त में अपना एक इतिहास मुकम्मल करता है। बट तो दैट इज जो मैंने बोला t इज इक्वल टू ट्वाइस पाई बाय ओमेगा, लेकिन यहां हमें जो मालूम है बट ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम, ओमेगा की वैल्यू जो है हमें जो पता है वो ये है ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम, चाहो तो यहां पर समझ लो हम इक्वेशन बोल सकते हैं, मसावत नंबर तीन और ये मसावत नंबर चार हुआ, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन थ्री एंड फोर, मसावत नंबर तीन और चार से देखिए क्या हासिल होगा, t इज इक्वल टू ट्वाइस पाई अंडर रूट ट्वाइस पाई बाय अंडर रूट के बाय एम इज इक्वल टू ट्वाइस पाई अंडर रूट एम बाय के, देखिए ये इसको जो है इस तरीके से लिखा जा सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड गोज टू फर्स्ट, तो t इज इक्वल टू ट्वाइस पाई अंडर रूट एम बाय के, इस तरीके से ये मसावत नंबर समझ लो यहां हमारी पांच हो गई। ये ऐसे चम करने वाले जर्रे के दौर की मसावत है, इसका रुख जो है इसकी सूरत चेंज करना है वो इस तरीके से कि t इज इक्वल टू ट्वाइस पाई अंडर रूट एम, अब ये जो है के, ये के लिए यहां पर हमको जो है वो के क्या है वो लिखना है, के किस चीज को जाहिर करता है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, एस एच एम करने वाले जर्रे की या एस एच एम की तारीख के मुताबिक हमने ये निकाले थे f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो ये k जो है तनासुब का मुस्तकिल था, इस k की वैल्यू अगर मालूम करे तो वो इस तरह होगा k
इज इक्वल टू माइनस एफ बाय एक्स। यानी ये कि इसको अगर पढ़ा जाए तो इस तरीके से पढ़ेंगे, एकाई हटाओ की कुव्वत, एकाई हटाओ की कुव्वत। तो इस के जगह पर मैं इस तरह लिख सकता हूं, एकाई हटाओ की कुव्वत, एकाई हटाओ की कुव्वत, ठीक है, इज इक्वल टू टॉइस पाई अंडर रूट एम बाय। ये जो एकाई हटाव की कुव्वत है इसे इक्वेशन के तौर पर लिखिए, तो ये हो गया एफ बाय एक्स, एफ बाय एक्स। देयरफॉर दिस टी इज इक्वल टू टॉइस पाई अंडर रूट एम एक्स बाय एफ। देखिए ये x जो है m के साथ जरब में चले जाएगा, तो यहां इज इक्वल टू टॉइस पाई अंडर रूट एम एक्स बाय दिस f इज इक्वल टू, f इज इक्वल टू एम ए, f बराबर एम ए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एफ बराबर एम ए। यहां से जो है ये एम से एम कैंसल हो गया, इज इक्वल टू टॉइस पाई अंडर रूट एक्स बाय ए, अंडर रूट एक्स बाय ए। इसे इस तरह लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू टॉइस पाई बाय, टॉइस पाई बाय इन रूट ए बाय एक्स, इन रूट ए बाय एक्स। जिस तरीके से मैं इस थर्ड को जो फर्स्ट पर ले जा सकता हूं, उसी तरह इस फर्स्ट को जो है वो थर्ड के ऊपर में भी ला सकते हैं, थर्ड प्लेस पर भी इसे लाया जा सकता है। देखिए इसको अब जुमले में लिखना है, तो t इज इक्वल टू टॉइस पाई बाय अंडर रूट। देखिए जब मैं इसको इस तरह पढ़ता हूं, एकाई हटाओ की कुव्वत, एकाई हटाओ की कुव्वत, तो यहां जो a है वो एक्सीलरेशन यानी ये वो इशारा को इंडिकेट करता है, तो मैं यहां इस तरह पढ़ सकता हूं इसको, एकाई हटाओ का इशारा, एकाई हटाओ का इशारा, एकाई हटाओ का इशारा। तो इस तरीके से ये t बराबर टॉइस पाई बाय अंडर रूट एकाई हटाओ का इशारा, यहां इसे भी चाहो तो मसावत दिया जा सकता है, दे सकते हैं। ये मसावत पांच और छह दोनों की जो है वो एसएचएम करने वाले जर्रे के दौर के फिक्रे या फिर मसावते है, इसे इस तरह लिखा जा सकता है, एकाई हटाओ का इशारा। तो इस तरीके से ये था एसएचएम के दौर की मसावत हमने हासिल की, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तो ये पीरियड ऑफ एसएचएम होने के बाद हम जो है वो फेज इन एसएचएम देखेंगे, फेज इन एसएचएम। उर्दू में जो है फेज को हय्यत कहते हैं, एसएचएम में हय्यत। तो हम पहले इस चीज को समझने से पहले इसकी तारीख को समझेंगे, तारीख देखेंगे जो इस तरीके से है कि हय्यत वो तबई मिकदार है कि जिसके जरिए किसी भी वक्त पर एसएचएम करने वाले जर्रे का मकाम और सिमत
मालूम की जा सकती है। ऐसे चिम वो हयत वो तबई मिकदार है कि ऐसे चिम करने वाले जर्रे की किसी भी वक्त पर मकाम और सिम मालूम की जा सकती है। तो यहां ये के जाविया हटाव जो है, जैसा कि हमें ऐसे चिम करने वाले जर्रे के हटाव की मसावत मालूम है, जो इस तरह है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइ ओमेगा टी प्लस फाइ। अगर जर्रा ऐसे चिम करता है तो उसके हटाव की मसावत इस तरह है कि x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइ। तो इसमें ये जो क्वांटिटी है, ये जो मिकदार है ओमेगा टी प्लस फाइ, ये जो मिकदार है ओमेगा टी प्लस फाइ, इसे हयत कहते हैं। इसे जो है वो इस तरीके से जाहिर किया जा सकता कि ये जो ओमेगा टी प्लस फाइ इनका जो कॉम्बिनेशन है, इनका जो मजमुआ है, उसे थीटा से दिखाया जा सकता है। तो यहां इस मसावत के अंदर में ये जो थीटा, इसे जाविया हटाव कहा जा सकता है थीटा को। तो इस जाविया, ये जाविया हटाव थीटा जो है वक्त के साथ मुसलसल तब्दील होता है। इस मसावत के अंदर हम देख रहे हैं कि इस मसावत में ये जो जाविया हटाव थीटा है, ये वक्त के साथ मुसलसल तब्दील होते रहता है, मुसलसल तब्दील होता है। इसलिए इसे एसएचएम की हयत के तौर पर, इसलिए इस थीटा को एसएचएम की हयत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये थीटा जाविया हटाओ वक्त के साथ मुसलसल तब्दील होता है, इसलिए इस थीटा को एसएचएम की हयत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। उसी तरीके से इस सूरत में इसे हयती जाविया भी कहते हैं, इस थीटा को इस सूरत में कि वो वक्त के साथ मुसलसल तब्दील हो रहा है, इस सूरत में इस थीटा को हयती जाविया फेज एंगल भी कहा जा सकता है। अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस है जो देखे जाएंगे। स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस के अंदर में यहां पर ये थीटा जो है, चार स्पेशल केसेस हमारे सिलेबस के अंदर में लिए हैं। हम बहुत सारे जावियों के लिए जो है यहां पर जाविया बदला कर हम जो है उसका मकाम और सिमत को जाहिर कर सकते हैं। तो यहां उसने जो सिलेबस के अंदर में जो चार जाविये लिया, वो इस तरीके से एक थीटा बराबर जो है वो 90 डिग्री, उसी तरीके से थीटा बराबर 0 डिग्री, पहले कोई बात नहीं, थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर यहां 90 डिग्री, थर्ड थीटा बराबर 180 डिग्री, और फोर्थ जो है और थीटा बराबर 270 डिग्री। तो इसे ही इस तरीके से कहा जा सकता है कि ये जो 90 है इसे पाई बाय 2 लिखा जा सकता है, पाई बाय 2 रेडियन। उसी तरीके से इस 180 को जो है वो पाई रेडियन लिखा जा सकता है, और ये जो 270 डिग्री है इसे इस तरह लिखा जा सकता है कि पाई 3 पाई बाय 2 रेडियन इस तरह लिखा जा सकता है। तो देखिए कि यहां पर ये चार केसेस के अंदर सिलेबस में ये चार केसेस दिए हुए हैं, तो हम इस चार केसेस के ऊपर में फोकस करेंगे। तब ये थीटा बराबर 0 डिग्री, इस पर
जो है जर्रा कहाँ होगा और वो अपना जो रुख है वो किस जानी करेगा, ये हमें यहां पर देखना है। तो इसके लिए सिंपल सा वे जो समझ लो, किताब से तो प्रूव नहीं हुआ, लेकिन जो मैंने इन चारों चीजों को देखकर जो समझा सिंपल वे में, वो इस तरीके से कि मैं यहां पर एक साइन कॉस निकालता हूं। देखिए ये साइन कॉस मैं यहां निकाल रहा हूं, वो इस तरीके से होगा, और भी इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इसके ऊपर में इस साइन कॉस के बिना पर हम काम करेंगे तो ये जो है वो एक्सट्रीम वैल्यू है यहां की, और वो भी समझ लो पॉजिटिव एक्सट्रीम वैल्यू, यानी मुस्बित आखिरी मकाम, मुस्बत मुस्बित। उसी तरीके से ये जो है वो मनफी आखिरी मकाम होगा, और यहां जो औसत मकाम है ये जो समझ लो एक्स महवर है, ये एक्स महवर को औसत मकाम मान लिया जाए, तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है बड़े ही आसानी से इसके अंदर में दिया जा सकता है। ये मानकर चलो कि जर्रा जब अपना एक इतिहास मुकम्मल करता है, जर्रा जब अपना एक इतिहास मुकम्मल करता है तो उस दौरान हम यहां पहुंचते हैं, और जब वो अपना दूसरा इतिहास मुकम्मल करता है तो हम इस जगह पर इस प्लेस के ऊपर में पहुंचते हैं। उसी तरीके से यहाँ टॉइस पाए, देखिए 0 पाए, 1 टॉस के लिए जो है वो 180, 0 टू पाए, पाए टू टॉइस पाए, यहाँ जो है वो 3 पाए और ये 4 पाए, इस तरीके से इसको वैल्यू देंगे। उसी तरीके से ये जो एक्सट्रीम लेवल है, ये एक्सट्रीम लेवल के लिए यहाँ जो है इसका हाफ 0 टू पाए, इसके बीच में जो है वो π/2 हो गया। उसी तरीके से अगर हम यहां देखते हैं तो वो रहेगा 3π/2, यहाँ टॉइस पाए और ये 3 पाए, इसके बीच में जो है ये 2 और 3, इसके बीच में जो है वो 2.5, यानी 5π/2 कहा जा सकता है, कहते हैं। उसी तरीके से ये जो है वो 7π/2, इस तरीके से मैंने वैल्यू दिया। ठीक है, ये वैल्यू देने के बाद थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो वो जो जर्रा है वो इस मकाम पर होगा। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री के लिए थीटा इस मकाम पर है, मतलब ये कि एक्स महवर पर है, तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि ये थीटा इज इक्वल टू 0। इस हालत में जर्रा जो है औसत मकाम, जर्रा जो है वो औसत मकाम पर होगा, मीन पोजीशन पर होगा या है। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 0 इस हालत के लिए, थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा बराबर 0 डिग्री इस हालत के लिए, ये जो जर्रा है वो औसत मकाम पर है। अब ये कि वो औसत मकाम से किस जानिब हरकत करेगा, अपना रुख जो है वो किधर करेगा, देखिए तो वो अपने पहले एहतजाज के दौरान, ये जर्रा पहले एहतजाज के दौरान मुजबित सिमत में हरकत कर रहा है या करेगा। देखिए मैंने इसका पहला जो है पहले प्लेस बताया कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर वो जो जर्रा है वो औसत मकाम पर है, और वो अपने पहले एतेदाज के दौरान, क्योंकि ये पहला ही एतेदाज है, यहां तक जो है वो पहला एतेदाज है और ये उसकी इब्तिदा है, तो पहले एतेदाज की इब्तिदा के दौरान, पहले एतेदाज की इब्तिदा के दौरान वो मुजबित सिमत में हरकत कर रहा है, मुजबित जानी हरकत कर रहा है। इसी तरीके से मैं इसके अंदर में जो है 360 ऐड करता हूं,
तो थीटा 0 डिग्री के अंदर में अगर 360 ऐड किए जाए तो ये 360 डिग्री इज इक्वल टू टॉर्स पाई रेडियन, इस तरीके से इसे कहा जा सकता है ना। तो यहां अब इसके लिए देखिए कि 360 ये यहां पर, ये टॉर्स पाई यहां पर है वो जर्रा, बराबर। तो अब ये कि जर्रा जो है इसका मकाम जाहिर कर दो पहले, जर्रा जो है अपने औसत मकाम पर है, जर्रा इस जाविये के लिए, इस हयत के लिए थीटा बराबर 300 डिग्री, 360 डिग्री, इस हयत के लिए जाविया जो है वो औसत मकाम पर है। और यह है कि वो किस जानी हरकत कर रहा है, किधर हरकत करेगा, तो वो जो है मुजबी सिमत में हरकत करेगा, जैसा कि 0 डिग्री पर वो अपने यहां पहले एतेजाज के दौरान जो है वो मुजबी सिमत में हरकत कर रहा था, उसी तरीके से अभी इस बार भी जो है 360 डिग्री पर ये जर्रा जो है वो औसत मकाम पर है, और ये है कि वो मुजबी सिमत में, लेकिन यहां से जो है वो दूसरा इर्तियाज शुरू होता है। तो मतलब यह है कि दूसरे इर्तियाज के इब्तिदा के दौरान, क्योंकि तो इब्तिदाई पीरियड है इसका, दूसरे इर्तियाज के इब्तिदा के दौरान वो मुजबी सिमत में हरकत करता है। मतलब यह है कि दोनों सूरतों में उसकी नौयत सेम है, फर्क यह है कि 0 डिग्री पर वो पहले इर्तियाज के दौरान जो है, पहले इर्तियाज की इब्तिदा के दौरान मुजबी सिमत में हरकत करता है, तो यहां जो है वो दूसरे इर्तियाज की इब्तिदा के दौरान मुजबी सिमत में हरकत करता है। इस तरह मैं अगर यहां पर जो है वो फिर से और टॉइस पाए रेडियन, यानी इसके अंदर में ये 360 प्लस 360 इस तरीके से कर देता हूं थीटा बराबर, तो यहां ये टॉइस पाए 4 पाए यहां पर आ जाएगा वो, बराबर है। वही जो उसका मामला था, उसकी जो नोयत थी बिल्कुल सेम, क्या औसत मकाम पर, और ये है कि वो मुजबित सिमत में हरकत करेगा, लेकिन इस बार ये पहला एहतजाज हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा एहतजाज की इब्तिदा यहां पर होगी। तो हमें दो ही पॉइंट लेकर समझ लो इसके अंदर में डिस्कस करना है, तो बाकी दूसरे हय्यतों के लिए भी इसी तरह का मामला होगा, इसी तरह एक के बाद एक जो है वो आगे की तरफ में वो पड़ेगा। नंबर दो, कि अगर थीटा बराबर 90 डिग्री हो, थीटा बराबर 90 डिग्री मतलब पाई बाय टू, तो अब ये देखिए पाई बाय टू पर मैं ये देख रहा हूं कि यहां पर जो है वो हमको एक्सट्रीम वैल्यू हासिल हो रही है, वो भी पॉजिटिव एक्सट्रीम वैल्यू, क्योंकि इधर में जो है पॉजिटिव होता है और नीचे में निगेटिव होता है, तो इसके लिहाज से यहां इसे हम ऐसा कह सकते हैं कि मुजबित आखिरी मकाम, मुस्बित आखिरी मकाम पर है। तब ये कि थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 दर्जे, इस हालत में जर्रा जो है वो मुस्बित आखिरी मकाम पर है, मुस्बित आखिरी मकाम पर है, और ये कि वो किस तरफ हरकत कर रहा है, तो वो औसत मुकाम की जानिब हरकत कर रहा है, औसत मकाम की जानिब हरकत कर रहा है, यहां पर आएगा वो हरकत करते हुए, ठीक है। और ये जो इर्तियाश है वो पहला इर्तियाश है, तो ये के थीटा बराबर 90 डिग्री इस हालत के लिए ये जो जर्रा है वो पहले इर्तियाश के दौरान, पहले इर्तियाश के दौरान मुजबित आखिरी मकाम पर होता है, और उसकी जो सिमत है वो औसत मकाम की जानिब होती है, ठीक है। इसके अंदर में जो है मैं अगर ऐसा करूं कि थीटा इज इक्वल टू
90 डिग्री प्लस 360 डिग्री, या इसको ऐसा कहा जा सकता है पाई बाय टू प्लस टॉइस पाई सी रेडियन, इसके लिए क्या होगा देखिए। तो ये टॉइस पाई इस जाविये के बाद जो है वो अपनी मकाम को रिपीट करता है, अपनी हालत को जो है रिपीट करता है, अपने अमल को रिपीट करता है। तो इस तरीके से देखिए कि अब ये कि टॉइस पाई प्लस पाई बाय टू मतलब ये यहां पर होगा वो, ठीक है। तो इसके लिए कहा जा सकता है कि इस हय्यत के लिए, इस हय्यत के लिए जर्रा जो है वो मुजबित आखिरी मकाम पर, मुजबित आखिरी मकाम पर है, और वो अपना दूसरे यानी दूसरे इर्तियाश के दौरान, दूसरे इर्तियाश के दौरान वो मुजबित आखिरी मकाम पर है। इस जाविये के लिए, इस हय्यत के लिए जर्रा जो है वो दूसरे इर्तियाश के दौरान मुजबित आखिरी मकाम पर है। इसी तरीके से इसमें फिर से ये 360 डिग्री या टॉइस पाई रेडियन इसके अंदर में ऐड करते जाएंगे तो यहां पर फिर से अगर ये आगे डायग्राम होती तो वो इस तरह होती, बराबर है। तो जर्रा जो है इस मकाम पर होता, यहां पर होता, बराबर। तो इस तरह अगले इर्तियाश के लिए भी, अगले इर्तियाश के लिए भी इसी तरीके से होगा। अब ये कि थीटा बराबर 180 डिग्री, इस पर देखिए थीटा बराबर 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन, ये यहां पर देखिए यहां है वो दर्रा, ठीक है। तो अब ये कि इस हालत में जर्रा जो है वो औसत मकाम पर होता है, अपने पहले इर्तियाश के दौरान, अपने पहले इर्तियाश के दौरान औसत मकाम पर होता है। थीटा बराबर 180 डिग्री इस सूरत में, इस हालत पर जर्रा जो है वो पहले इर्तियाश के दौरान औसत मकाम पर होता है। और वो अब ये कि हरकत किस तरफ कर रहा है देखिए, और वो जो है वो मनफी सिमत में, या वो मनफी आखिरी जो मकाम है, मनफी आखिरी मकाम की जानी हरकत करता है। और जरा इस पहले इर्तियाश के दौरान जो है अगर थीटा बराबर पाई लिया जाए तो ये है तो औसत मकाम पर, पहले इर्तियाश के औसत मकाम पर है, और वो मनफी आखिरी मकाम की जानिब हरकत करता है या कर रहा है। इस तरह अगले इर्तियाश भी हासिल होते हैं, जैसा ये कि थीटा बराबर ये जो मैंने 180 डिग्री लिया या पाई रेडियन लिया, पाई के अंदर में जो है टॉइस पाई, हर बार जो है टॉइस पाई जाविये चाहे जो भी हो उसमें टॉइस पाई ऐड करते जाएंगे तो ये थ्राइस पाई इस तरीके से, थ्री पाई रेडियन इस तरह वो हासिल होगा। मतलब ये है कि जैसा ये पोजीशन है वैसे यहां पर ये जो पाई थ्री पाई तो यहां पर रहेगा वो जर्रा, लेकिन ये है कि इस बार जो है वो इर्तियाश दूसरा इर्तियाश के दौरान है ना, यहां जो है दूसरे इर्तियाश के दौरान वो दर्रा औसत मकाम पर होगा। और वो किधर जाने की कोशिश करेगा, किधर जाएगा, तो वो मुजबी मनफी आखिरी मकाम की जानिब हरकत करेगा। इस तरह दूसरे एतजाज भी जो है वो हासिल होंगे। चौथी कंडीशन देखिए कि अगर थीटा बराबर 270 डिग्री हो जाए, थीटा बराबर 270 डिग्री या 3 पाई बाय 2 रेडियन हो, 3 पाई बाय 2 रेडियन हो, ये यहां पर समझ लो
जर्रा यहां पर होगा, देखिए। तो जब जर्रा ये यहां पर है उसको किस तरीके से कहा जा सकता है, देखिए कि ये आखिरी मकाम पर तो है बराबर, और साथ में ये कि वो मनफी आखिरी मकाम पर है, तो थीटा बराबर 270 डिग्री या फिर समझ लो 3π/2 रेडियन पर वो जर्रा मनफी आखिरी मकाम पर अपने पहले इर्तियाज के दौरान, क्योंकि उसका ये पहला ही इर्तियाज है, अपने पहले इर्तियाज के दौरान वो मनफी आखिरी मकाम पर होता है, और ये है अंदर किधर करेगा वो, और वो जो है वो औसत मकाम की जानिब हरकत करेगा, औसत मकाम की जानिब हरकत करता है। इसी तरीके से इस 3π/2 के अंदर, 3π/2 इसके अंदर में जो है ट्वाइस पाई ऐड कर दिया जाए तो देखिए क्या होगा कि थीटा बराबर यह हासिल होगा। तो इसके लिए यानी ये कि 3π/2 प्लस π/2 तो ये डेढ़ और दो, यानी दो डेढ़ 3.5 यानी 7π/2, 7π/2 ये यहां पर देखिए ये है इसका जो मकाम है जर्रे का इस जाविये के लिए, इस हयत के लिए, तो ये जो मकाम है ये दूसरे इर्तियाज जो है वो दूसरा है दूसरे इर्तियाज के दौरान, क्योंकि यहां से ये दूसरा इर्तियाज शुरू होता है यहां तक, तो दूसरे इर्तियाज के दौरान उस जाविये पर उस हालत में जर्रा जो है दूसरे इर्तियाज के दौरान मनफी आखिरी मकाम पर होता है, मनफी आखिरी मकाम पर होता है, और यह है कि वो किस जानिब हरकत करता है, तो वो औसत मकाम की जानिब हरकत कर रहा है या करता है, इस तरह अगले इर्तियाज भी हासिल होते हैं। इस तरीके से ये था हमारा फेज इन SHM जो हमने साइन टॉस लेकर बासानी इसको समझा, ठीक है। इसके आगे का जो पॉइंट है या नेक्स्ट लेक्चर जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर में हमारा रहेगा, इसके आगे का पॉइंट नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में कंप्लीट किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।